तो आज हम 1 से 40 तक को निपटाएंगे। 1 से 40। सबसे पहले है एम्बिशन फॉर। एम्बिशन वर्ड का मीनिंग कभी मत भूलेगा हिंदी, महत्वाकांक्षा इसका हिंदी होता है। एम्बिशन फॉर, एम और फिर विशन, दो बार में पढ़ दीजिएगा। एम्बिशन फॉर मीन्स के लिए महत्वाकांक्षा, के लिए महत्वाकांक्षा। सेंटेंस अगर देखें हम इसका, विभा हैज एम्बिशन फॉर आईएएस। विभा को महत्वाकांक्षा है, विभा को महत्वाकांक्षा है आईएएस के लिए। विभा को महत्वाकांक्षा है आईएएस के लिए। जब भी आपको भी अपना एम बताना हो तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, आई हैव एम्बिशन फॉर आईएएस, आई हैव एम्बिशन फॉर आर्मी ऑफिसर, आई हैव एम्बिशन फॉर, जो भी आपको एम्बिशन होगा उसको डाल दीजिए, ऐसा होता है। देन जो वर्ड है ये बहुत लंबा सा है लेकिन पढ़ना बहुत आसान है, कोरेस्पोंडेंस। कोरेस्पोंडेंस विद, कोरेस्पोंडेंस विद की हिंदी होती है से पत्राचार। कोरेस्पोंडेंस का मतलब क्या, पत्राचार, आप जानते हैं। जैसे चिट्ठी लिखते हैं किसी को हम, पुराने जमाने में मतलब 10-15 साल पहले हमारे पास भी चिट्ठियां आती थी, तो जो चिट्ठी हमें भेजेंगे कहा जाता था कि पत्राचार कर रहे हैं हमसे, चिट्ठी भेजना, चिट्ठी मंगाना। सो कोरेस्पोंडेंस विद, आप भी जब जॉब करेंगे तो आप भी बहुत सारे कोरेस्पोंडेंस करेंगे। सो कोरेस्पोंडेंस विद से पत्राचार हिंदी होती है। सेंटेंस देखकर क्लियर हो जाएगा, राम डज कोरेस्पोंडेंस विद मीरा। राम मीरा से पत्राचार करता है, राम मीरा से पत्राचार करता है। इंडिया डज कोरेस्पोंडेंस विद द यूएसए, भारत अमेरिका से पत्राचार करता है, ऐसा हम यूज करेंगे। तो दो हो गया। फिर है क्योर फॉर। क्योर फॉर हिंदी है का इलाज। क्योर फॉर का हिंदी का इलाज, के लिए नहीं का इलाज, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं सर्कल करता हूं, जो सर्कल कर रहा हूं वो आपको कॉमन सेंस से काम नहीं करेगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। कुनैन इज क्योर फॉर मलेरिया, इसको कहते हैं कुनैन। कुनैन एक पौधा है और उस पौधे से दवा बनती है, उसे भी कुनैन ही कह देते हैं, तो यह पौधा ही ठीक है। कुनैन इज क्योर फॉर मलेरिया, कुनैन मलेरिया का इलाज है, कुनैन मलेरिया का इलाज है। तो हमने कंप्लीट किया अभी, एम्बिशन फॉर, कोरेस्पोंडेंस विद, क्योर फॉर, भूलना नहीं कभी, एग्जाम में आएगा, मिस्टेक नहीं होगा। डिमांड फॉर, डिमांड के साथ फॉर लगा देते हैं, हिंदी होगी की मांग। यहाँ पे देखिए हिंदी में की है, मतलब इसे भी कॉमन सेंस से याद रखना मुश्किल है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। डिमांड फॉर, जिस तरह से आप पोएम याद करते हैं वैसे इनको याद रखना चाहिए आपको, डिमांड फॉर की मांग। अदरवाइज दूसरा तरीका होता है बार बार पढ़ के, जो मैं अपनाया हूँ। इंडिया हैड डिमांडेड फॉर लिबर्टी, भारत ने स्वतंत्रता की मांग की थी, जब हम गुलाम थे उस वक्त का सेंटेंस लिख दिया। उस वक्त आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, कितने आंदोलन होते थे, हम कहते थे स्वतंत्रता दो, फ्रीडम दो, फ्रीडम को बोलते हैं लिबर्टी, इसे पढ़ते क्या है लिबर्टी, आपने पढ़ लिया है पहले इसलिए इसका कुछ लिखा नहीं। लिबर्टी मीन स्वतंत्रता, इंग्लिश ही लिखता हूँ इसका, फ्रीडम। इंडिया है डिमांडेड फॉर फ्रीडम, इंडिया ने फ्रीडम का डिमांड किया था, मांग की थी। फिर लव फॉर, लव के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे, हिंदी होगी के लिए प्यार। सेंटेंस क्या है, राम हैज लव फॉर चिल्ड्रन, राम को है बच्चों के लिए प्यार, राम को बच्चों के लिए प्यार है। तो इस स्लाइड में हमने 5 कंप्लीट किए, एम्बिशन फॉर हिंदी के लिए महत्वाकांक्षा, कोरिस्पोंडेंस विद हिंदी से पत्राचार, क्योर फॉर हिंदी का इलाज, डिमांड फॉर हिंदी की मांग, लव फॉर हिंदी है के लिए प्यार। नेक्स्ट में है रिप्लाई टू या आंसर टू, रिप्लाई टू या आंसर टू, इसका हिंदी है का उत्तर। ध्यान रखिएगा बहुत बार इसको हमें यूज करना पड़ता है स्पोकन में, और लोग बोलते हैं तो भी सुनना पड़ता है, जब समझ में नहीं आएगा इसके साथ टू होता है तो मीनिंग सेंटेंस का समझ में नहीं आएगा। रिप्लाई टू आंसर टू हिंदी है का उत्तर,
सेंटेंस मिलेगा अपने पास, क्या होगा, प्लीज रिप्लाई आंसर, कोई भी यूज करिए, रिप्लाई टू कर दीजिए, आंसर टू करते, हमने ऐसे ही कर दिया, प्लीज रिप्लाई आंसर टू द क्वेश्चन इन 200 वर्ड्स, कृपया प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में दीजिए, उत्तर दीजिए प्रश्नों का, कृपया प्रश्नों का 200 शब्दों में उत्तर दीजिए, इसका ये हिंदी है। तो रिप्लाई टू हो सकता है अकेले, अच्छा आंसर टू हो सकता है, दोनों का हिंदी एक ही है और दोनों एक ही से संबंधित है, साथ में यूज किया है हमने। देन रिलेशन विद, रिलेशन विद, रिलेशन की हिंदी पता है आपको, संबंध, विद मतलब से संबंध, हिंदी है इसका से संबंध। सेंटेंस मिलेगा दिस क्वेश्चन हैज रिलेशन विद केमिस्ट्री, दिस क्वेश्चन, यह प्रश्न रखता है रिलेशन संबंध विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से। कोई 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 प्रश्न आपके समक्ष पूछा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, ये तो केमिस्ट्री का प्रश्न है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, दिस क्वेश्चन हैज रिलेशन विद केमिस्ट्री, यह प्रश्न केमिस्ट्री से संबंध रखता है। नाउ कॉन्टेक्ट विद, कॉन्टेक्ट विद की हिंदी होती है से संपर्क, माला हैज कॉन्टेक्ट विद अ योगा टीचर, माला ने कॉन्टेक्ट किया है एक योगा टीचर से, माला ने एक योगा टीचर से कॉन्टेक्ट किया है, संपर्क किया है ना, उनको बोला होगा कि हमें योगा सिखाइए, कितना पैसा लेंगे, ठीक है हम घर वालों से पूछ के बताते हैं, ऐसा कुछ। तो माला ने एक योगा टीचर से कॉन्टेक्ट किया है। नाउ कंग्रेचुलेशंस ऑन, ध्यान रखिए हमेशा ये रहता है इसमें, कंग्रेचुलेशन वर्ड ही नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको, कंग्रेचुलेशंस ऑन हिंदी होगी के लिए बधाई, क्या होगी के लिए, ऑन है और हिंदी में क्या के लिए बधाई, सेंटेंस है आपका कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आपके सफलता के लिए बधाई, आपके सफलता के लिए बधाई। फिर है कंग्रेचुलेशंस टू का को बधाई, कंग्रेचुलेशंस टू का क्या है को बधाई, कंग्रेचुलेशंस टू, इसकी हिंदी हो जाएगी को बधाई, मतलब किसी को देते हैं, किसी पर्सन को देते हैं वो सेंटेंस। मीरा गिव्स कंग्रेचुलेशंस टू राम, मीरा राम को बधाइयां देती है, चाहे बधाई देती है। तो आप यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेशंस के साथ ऑन भी आता है और कंग्रेचुलेशंस साथ टू भी आता है, हमने इसमें देखा रिप्लाई टू, आंसर टू, रिलेशन विद, कॉन्टेक्ट विद, कंग्रेचुलेशंस ऑन, कंग्रेचुलेशंस टू, और जो पहला स्लाइड था उसमें देखा था एम्बिशन फॉर, कोरेस्पोंडेंस विद, क्योर फॉर, डिमांड फॉर, लव फॉर।